लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे अरे बहुत थक गया यार। मैं भी बहुत थक गया हूँ। मैं तो बिल्कुल नहीं थका। तू कहाँ से थकेगा? थकते हुए जिनके यहाँ कुछ होता है जो सोचते हैं। तो एक काम कर, तू जरा चारों तरफ ध्यान मार। मैं जरा ऐसा करके सोचता हूँ, दिमाग नीचे करूंगा तो थॉट्स बहुत आते हैं। देख मैं भी थोड़ा सोचता हूँ, लेकिन तू सिर्फ ऊपर मत देख, नीचे भी देख। बच्चा है, कहीं निकल ना जाए। मैं भी थोड़ा सोचता हूँ, खोपड़ी के साथ सोकर खोपड़ी में कुछ आता है क्या नहीं। माफ करना। माफ करना बोल के फिर सो गया? उठ। ये लोग तो सोच रहे हैं। सोचने दो, बच्चा ढूंढता हूं मैं। बच्चा अगर मुझे मिल जाए तो 5 उसके 5 इसके 10 और 5 मेरे पूरे 15 लाख सब मेरे। अरे दोस्तों से गद्दारी करता है तू? नहीं, बच्चा ढूंढूंगा मैं, लेकिन हम तीनों खाएंगे, तीनों। हाँ खोपड़ी खोपड़ी बच्चा 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 बोर मत कर यार। अरे बेड़े बेड़े बच्चा, अरे क्या बोर कर रहा है रे? अरे रिक्शा में बैठ रहा है। अरे खोपड़ी सचमुच का बच्चा, बच्चा पागल हो गया क्या? किधर है? रिक्शा में बैठ रहा है। अरे सचमुच अपने से दूर जा रहे हैं अभी। अरे बजरंग बली का भगत भी उसके साथ है। ये बंदर, ये बंदर अपने 15 लाख ले जाएगा। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो। अरे मेरा ऑटो लेके भाग गया। थामा रे थामा, रुको ना भाई थोड़ी देर। ए लाइसेंस दा करे। अरे तुमने मेरे भाई की टांग की हड्डी तोड़ दी, तुमको दिखाई नहीं देता है? वो गाड़ी के आगे आगे भाग रहा था। अरे आगे भाग रहा है तो क्या हुआ, तुमको आंखें नहीं है क्या? चलो पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? मुझे एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट पकड़। अरे एयरपोर्ट जाना है, नहीं तो फ्लाइट पकड़नी है, नहीं तो रिक्शा पकड़नी है। चलो पुलिस स्टेशन। अरे तू क्या कर रहा है यार? अरे तुम हटो ना यार, तुम काहे को बीच में आते हो? ये मेरे और मेरे भाई का मामला है, तुम चुप बैठो। चलो पुलिस स्टेशन। अरे मुझे माफ कर दो। माफ कर दो क्या? इसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। अरे तू क्या कर रहा है यार? अरे तुम हटो ना यार, बोला ना तुमको बार बार, काहे को बीच में आते हो? मेरे भाई की हड्डी तोड़ दी इसने, पैसे लेने। लाओ इधर। सिर्फ 500? अरे ज्यादा मुझसे ले लेना, 1000 रुपए दूंगा खुश। अरे तुम जाओ ना यार, मैं पटा लूंगा। ये क्या है बे? आज के बेवड़े का इंतजाम 500? अबे खुसट, 500 के चक्कर में अगर वो 15 लाख रुपए निकल गए तो अरे यार इस छोटू ने तो तिगनी का नाच नचा दिया है। कहाँ गया? कहाँ छुपा है कठोर, सामने तो आ जा। अरे पकड़ो। साले अब भाग के कहाँ जाएगा? सर हम उन लोगों को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। भाग कर जाएंगे कहाँ? खोपड़ी। अबे यही सब करते रहोगे कि भागोगे भी? किधर? इधर से। मर गया। पकड़ पकड़, तू संभाल। अबे मेरे काम संभाल रहा है ये, मैं नहीं संभाल सकता यार। अरे पुलिस इधर ही आ रही है। अरे रो मत यार, ऐसा तो नहीं यार, उन्हें पता चल गया कि हमने इसको किडनैप किया है। मर गए आज तो। उन दोनों ने कहीं हम लोगों को पहचान लिया ना तो मैं तुम दोनों को छोड़कर भाग जाऊंगा। बकवास करता है, मुंह खोलता है तो। अबे तेरे को देख, पुलिस को मारना देख। साला कुछ करो यार, कुछ सोचो। इधर ही आ रहे हैं वो लोग, देखो यार। मैं तुम लोगों को नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। अच्छा बेटा फिर के बैठ गए? क्या हुआ? आ, 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 आ,
गया? क्या हुआ? कुल्ला काट रहा है। नमस्ते। क्या हो रहा है? नहीं सर, आप उसकी हरकतों पर ध्यान मत दीजिए। क्या है? नहीं, उसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा खाली हो गया है। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा है कि उसको जरा ठंडी हवा में घुमाइए तो ठीक हो जाएगा। देखो, हाँ। तुम लोगों ने इधर कोई बच्चा देखा है? हाँ साहब, देखा है। हाँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि रोज रात को सपना देखता हूँ ना कि मेरी शादी हो गई है और मैं दर्जनों बच्चों का बाप बन चुका हूँ। ये भी थोड़ा पागल है सर। मैं सपने वाले बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। कुछ समझ में आया कि नहीं? ये रही उस बच्चे की तस्वीर, अगर ये कहीं दिखाई दे तो पुलिस स्टेशन में खबर करना। अरे खोपड़ी, ये तो अबे अच्छा, वो अगर मिले तो हम सबसे पहले आपको आपको बताएंगे साहब, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। क्या हुआ, क्या बात है? पागल है ना? ए, तुम्हारा इलाज कहाँ पे चल रहा है? इलाज काय का इलाज? डॉक्टर दीक्षित, दीक्षित पागलों के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, उन्हीं का इलाज इनको चल रहा है। हाँ, उनका नाम सुना है मैंने, बहुत सुना है। लेकिन खुली हवा में सैर कराने के साथ साथ इसके सर पर आंवले का तेल भी लगाया करो, समझे? सर, आंवले के तेल से भी अच्छा इलाज है मेरे पास। वो ये है कि सुबह सूरज निकलने से पहले नाक के एक नथनी से पानी अंदर खींच कर दूसरी नथनी से निकाला जाए तो इनके दिमाग का सारा मैल बाहर, पागलपन दूर और फायदा नहीं हुआ तो पैसा वापस। अरे वाह, हवलदारी से पहले चौपाटी पे दवा बेचते थे क्या? अरे तुमको कैसे मालूम? तुम ज्योतिषी हो क्या? हवलदार। मैं कहा तीन पागलों के बीच में फंस गया हूँ यार। पहला कौन? ये। दूसरा तू। तीसरा पकड़े जाएंगे, बहुत चला रहा है यार। हाँ। अरे हवलदार, जाओ ना, अपना काम करो यार, भगवान भला रखेगा। अरे सुनो, ये पागलपन के दौरे में किसी को तंग तो नहीं करता? पागल कौन है? मैं पागल नहीं हूं। हर पागल ये बोलता है कि मैं पागल नहीं हूं। खैर, वो बच्चा अगर कहीं नजर आ जाए तो हमें खबर कर देना। जाओ तो सही। अरे खोपड़ी धुआ। अरे वो फिर कुछ की आग लगी है। अरे बुझाओ। आग बुझा। अरे बुझा। तू बुझा। मैं नहीं, तू तू पहले। मैं बुझा। नहीं, हम दोनों साथ में आग बुझाते हैं। एक दो तीन। अबे अबे क्या क्या तुमने? आग बुझाई? उल्लू क्या पटे? आग तो बुझा दी, बाकी सब फ्रैक्चर कर दिया। वो तो पहले से ही था। वो किधर है? अबे बच्चा किधर है? बच्चा ये देख, जा रहा है, जा रहा है। पकड़ो, 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 पकड़ो उसे। पकड़ो, जल्दी। अरे, 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 रुक, रुक जा। अबे रुक जा। अबे रुक। अरे चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे, सब घूम रहा। ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। चक्कर आ रहे। अबे पहले देख वो किधर है। अरे बच्चा, वो देख। पकड़ो वो लो, देखो वहां ऊपर बैठा है। बाबा कैसे पहुंच गया? लेकिन अपने पैसे तो जाएंगे पानी में, गिर जाएगा। अरे अरे पकड़। इतने से बच्चे ने बर्बाद कर दिया यार, पकड़ो उसको यार। आइए साहब, जल्दी आइए। अरे हां सर, वो ऊपर जाएगा सर। ऊपर बच्चा, बच्चा। हां बैठिए बैठिए बैठिए। अरे वहां जाना है, चल जल्दी। हां अभी बैठिए, बैठो बैठो, जल्दी चलो। अभी जल्दी आइए, चल चल। अरे बाप रे, चलो। अरे 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 कैसे जाएंगे? चलो बेटे, तुम्हारा राउंड पूरा हो गया, उतरो नीचे। हाँ, अरे 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 अरे
सोच रहे। उतर उतर। तो दिमाग फिर है यार, कहाँ गया क्या, कभी इधर कभी उधर, ये बच्चा है कि क्या, क्या करूंगा ढूंढ ढूंढ के। अरे अबे आटा, क्या क्या है रे? तुम लोग क्या समझे थे पैसा देने के बाद मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा? बच्चा कहाँ है? अरे काहे का बच्चा, वो साला उल्टा हमारा बाप है, डेढ़ फुट का शैतान, नाक में दम कर दिया साले ने हमारे। अरे वो तो हमारे हाथ से निकल ही गया था बापू, बड़े मुश्किल से हमने उसको पकड़ा। क्यों? अरे जब वो मिला तुम्हारे आदमी हमें पकड़ कर यहाँ ले आए। आगा सेठ, बच्चा मिल गया। गुड जॉब। ये ना बच्चा, क्या बच्चा बच्चा कर रहे हो, मिल गया। हेलो वकील बाबू, अपन के पैसे लाओ जल्दी। पैसे किस बात के? बच्चा तो मेरे आदमी पकड़ के लाए हैं। हमने इसे इसके नाना के घर से उठाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। हमने इसे खिलाया पिलाया, अरे लोरी भी सुनाई, और तुम कहते हो तुम्हारे आदमी पकड़ के लेके आए। देखो वकील साहब, जो खोपड़ी बच्चे को जज के घर से उठा के ला सकती है, वही खोपड़ी बच्चे को जज के यहाँ पहुँचा भी सकती है। हमने से पंगा लेना नहीं है। पैसा जल्दी दे देना, वरना बेवड़े का श्राप लग जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद तो अब तुम तीनों हो गए। तुम राजू भटनागर की शायद आदत जानते नहीं, वो जिससे काम लेता है उसका इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए पत्ता साफ कर देता है। बांधो इन तीनों को। जस्टिस सिन्हा। यस स्पीकिंग। आपका नाती हमारे कब्जे में है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? राजू भटनागर की रिहाई। व्हाट, पागल तो नहीं हो गए हो तुम? अगर कल कोर्ट से राजू भटनागर को तुमने रिहा नहीं किया तो अपने नाती की लाश देखकर तुम और तुम्हारी बेटी जरूर पागल हो जाएंगे। इम्पॉसिबल, नामुमकिन। हम अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकते। इस नहीं का अंजाम तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, जस्टिस सिन्हा। किसका फोन था डैडी? किसका फोन था? किडनैपर का। वो मुन्ने के बदले राजू भटनागर की आजादी चाहता है। तो छोड़ दीजिए राजू भटनागर को, मुझे मेरा मुन्ना चाहिए, मुझे मेरा मुन्ना चाहिए डैडी। मैं तेरी ममता की तड़प को समझता हूँ बेटी, लेकिन कानून का गला घोट के। कानून का रिश्ता आपसे सिर्फ पैसे का है, सिर्फ रोजी का है। मुन्ना आपका खून है डैडी। बेटी ऐसे अल्फाज बोल के अपने बाप के फर्ज को गाड़ी मत दो। एक जज होने के नाते दुनिया के हर रिश्ते से बड़े मेरी ड्यूटी, मेरा फर्ज है। मोना चुप हो जाओ, मोना चुप हो जाओ। मैं तुझसे वादा करता हूँ मोना, इससे पहले कि तेरे डैडी को झुकने पर मजबूर होना पड़े, मैं अपने मुन्ने को लेकर आऊंगा। बता मेरा बंटी का है? बता मेरा मोंटी कहाँ है? बता मेरा बच्चा कहाँ है? बता मेरे मोंटी को कहाँ छुपा के रखा है? हेलो। तुम्हारा पति राजू भटनागर को रिमांड पर पुलिस लॉकअप में ले गया है। अगर उसने उसे वहां हाथ भी लगाया तो याद रखना तुम्हारे बच्चे का आशीर्वाद पूरा होगा। नहीं, प्लीज, प्लीज मेरे मुन्ना को कुछ मत करना, भगवान के लिए उसे छोड़ दो। अगर तुम अपने बच्चे को सही सलामत चाहती हो तो विकास से कहो कि राजू भटनागर को पुलिस लॉकअप से भागने का मौका दे, और अगर ऐसा नहीं ना हुआ तो एक बात हमारे कान खोल के सुन लो कि हम तेरा बच्चा का इतना टुकड़ा कर दूंगा, इतना टुकड़ा कर दूंगा कि गिनते गिनते थोड़ी उम्र कट जाएगी। तो मर जाएगा। मेरे बेटे का पता बताए बगैर मौत भी इसका पत्ता नहीं काट सकती।
बताओ। मैं इंस्पेक्टर शांता आपटे बोल रही हूँ। डीसीपी विकास वर्मा को फोन दो, बहुत अर्जेंट बात करनी है। एक मिनट मैडम, होल्ड करा। बता। साहिब, आपके लिए फोन है। इंस्पेक्टर आपटे लाइन पर हैं। बहुत अर्जेंट बात करनी है। हेलो। आपकी बेटी का पता चल गया है सर। वो वर्सोवा की सिल्वर क्राफ्ट बिल्डिंग में देखा गया है। हमने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। आप फौरन चले आइए। तुम उधर ही रुको, मैं अभी पहुंचता हूँ। इस सुअर के बच्चे का ख्याल रखना। यस सर। फौरन वर्सोवा चलो। कम ऑन। अरे मैडम, आप यहाँ? विकास जी तो नहीं है? हाँ, मैं जानती हूँ। वो राजू भटनागर कौन सी लॉकर में बंद है? यहाँ, यही इसी लॉकअप में है, सामने। अच्छा अच्छा। अरे ये क्या? हिलना नहीं, वहीं रुक जा। मैडम आप पिस्तौल भरी हुई है, गोली चल जाएगी। गोली चलेगी नहीं, बल्कि मैं चला दूंगी। मैडम आप गैर कानूनी हरकत कर रही हैं। मैं कानून अच्छी तरह जानती हूँ। राजू जल्दी आओ। मैडम ये बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, इसने आपके बेटे को किडनैप किया है। अबे चुप। मैं कहता हूँ आप लोग रुक जाइए वहीं पे। पास मत आना। मैं कहता हूँ आप लोग। मैडम ये आप गलत कर रही हैं। मैं कहता हूँ कि आप